पहले फ्यूल डिस्पेंसर मशीन पर जीरो देखना। पेट्रोल पंप पर ये काम हम आम तौर पर करते ही हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक और जरूरी चीज देखने की हम जहमत नहीं उठाते। जीरो नहीं देखने से हो सकता है पेट्रोल भरने वाला कुछ खेल कर जाए और पेट्रोल की मात्रा कम मिले, लेकिन हम जिस चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं उसे नहीं करने पर हो सकता है गाड़ी ही खराब हो जाए। हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, जिसका सीधा संबंध पेट्रोल डीजल की शुद्धता से है। इसके मानक खुद सरकार ने तय किए हैं। क्या है ये शुद्धता का पैमाना और आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। डेंसिटी का मतलब किसी पदार्थ या उत्पाद के घनत्व से है, और आसान भाषा में बताने की कोशिश करें तो डेंसिटी का मतलब पदार्थ या उत्पाद के गाढ़ेपन से है। ये गाढ़ापन उन पदार्थों या तत्वों की निश्चित मात्रा से तय किया जाता है जिन्हें मिलाकर कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। इन्हीं तत्वों की मौजूदगी की पहचान के आधार पर उत्पाद की क्वालिटी तय की जाती है। वाहनों में डलने वाले इंजन ऑयल का उदाहरण देकर समझते हैं। बेस ऑयल और एडिटिव्स को मिलाकर बनने वाला ये मोटर ऑयल प्रोडक्ट छूने में बहुत चिपचिपा और बहुत पतला महसूस नहीं होना चाहिए। ज्यादा पतला या बहुत चिपचिपा होने का मतलब है कि उसमें बेस ऑयल और एडिटिव के अलावा कुछ और मिलाया गया है या निर्माण के वक्त जरूरी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। पेट्रोल डेंसिटी की एक लिमिट है। अगर उसमें किसी किस्म की मिलावट हो जाए या कर दी जाए तो प्रोडक्ट में मौजूद तत्वों या पदार्थों के बीच दूरी आएगी। यही दूरी उत्पाद की क्वालिटी गिनने के लिए जिम्मेदार है। आपने गौर किया होगा कि कई बार इंजन ऑयल को उंगलियों में लगाकर देखते हैं। अगर पर्याप्त चिकनाई है तो दम है, नहीं तो बदलने का समय आ गया है। डेंसिटी चेक करने का यह तरीका भले देसी लगे लेकिन कारगर माना जाता है। लेकिन पेट्रोल के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। हर पदार्थ की एक तय डेंसिटी होती है, वैसे ही मामला ईंधन के लिए भी है। सरकार ने इसके मानक तय किए हैं। पेट्रोल की शुद्धता डेंसिटी 730 से 800 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। वहीं डीजल की शुद्धता डेंसिटी 830 से 900 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच बताई जाती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आंकड़े फिक्स क्यों नहीं है। इसका कारण है तापमान में बदलाव, इसलिए इसकी एक रेंज तय की गई है। किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर रेंज बताए गए आंकड़ों से नीचे या ऊपर है तो जाहिर सी बात है इसमें मिलावट हुई है। वैसे मिलावट क्या हुई वो तो चेक करने के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन आमतौर पर पेट्रोल में सॉल्वेंट मिलाकर ये कारनामा अंजाम दिया जाता है। खराब पेट्रोल मतलब सीधा आपका नुकसान। गाड़ी कितनी खराब होगी वो खराब पेट्रोल के ऊपर निर्भर करेगा। चेक करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिटेल पेट्रोल भरने वाली मशीन पर डिस्प्ले होती ही है। पेट्रोल की रसीद पर भी इसकी जानकारी होती है। अगर आप इतने से संतुष्ट नहीं है तो इसकी डेंसिटी जार से इसकी जांच करवा सकते हैं। डेंसिटी चेक करने के लिए आपको 500 मिलीलीटर का जार, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर और ASTM यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स कन्वर्जन चार्ज की जरूरत होगी। हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जांचने के लिए एक अच्छा उपकरण है। ये सभी चीजें पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होती हैं। डेंसिटी जार में घनत्व का अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंस निकाला जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक हर ग्राहक को पेट्रोल की शुद्धता मापने का अधिकार है। इसके बाद भी अगर आपको लगे तो संबंधित एजेंसी से शिकायत करने का भी प्रबंध है।